जय भीम साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्णय लिया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसमें क्रिमिलियर जैसी चीज को डालने के लिए। मैं जो भी बात बोलूंगा मैं उसमें ये कभी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं राइट टू रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है, जो पूरे विश्व में जहां भी कोई धरती जिस पे कोई स्टेट या नेशन बना हुआ है उस पे अगर डेमोक्रेसी लागू है तो वहां के जो नेटिव लोग होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। ठीक इसी तरीके से ये भारत में ही है, और राइट टू रिप्रेजेंटेशन का ये अधिकार जो है, जिसको बिगड़े हुए नाम में आरक्षण बोलते हैं, इसको सबसे पहले समझ लेने की चीज है, ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होता है। तो मेरा कहना यह है कि मैं बिल्कुल किसी भी तरीके से क्रिमिलियर और ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन इसमें हमें बहुत ही बारीकी के साथ देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, और जो इस सोसाइटी के नेटिव लोग हैं, इस कंट्री के जो नेटिव लोग हैं उनके खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग जब सत्ता में आते हैं तो इनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र करके सफल कैसे हो जाते हैं, उसका भी रीजन क्या है। पूरे भारत में लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो उस लोकतंत्र में ये आप पाएंगे कि ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है वो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोग और बाद में 90s के बाद बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को जो अधिकार मिल रहा है उसमें शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोगों को लगभग लगभग ये तीसरी पीढ़ी में ये अधिकार मिल रहा है। अब मैं पुरानी सभी बातों को भूलते हुए मैं तत्कालीन पिछले 5 साल से लेकर अब तक की बात में करता हूं। क्या आपको कभी भी सड़क पे आपको शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के किसी भी क्लास वन ऑफिसर, जो स्टेट पीएससी क्लर्क को या यूपीएससी क्लर्क को, उसके किसी बच्चे को आपने राइट टू रिप्रेजेंटेशन अधिकार को खत्म करने से बचाने के लिए आंदोलन करते हुए देखा है? चलिए छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं है उनकी। एक चीज और आपको बताते चलता हूं कि क्या आपने कभी आरक्षण से क्लास वन नौकरी पाने के बाद वर्तमान में किसी लड़के को किसी अपनी ही कम्युनिटी में किसी ऐसी लड़की से शादी करते देखा है, या किसी ऐसी लड़की को जो क्लास वन ऑफिसर या क्लास बी ऑफिसर बन जाए उसके बाद किसी ऐसे लड़के से शादी करते हुए देखा है जिनकी आर्थिक स्थिति बराबर ना हो? आखिर ये चल क्या रहा है कंट्री में? राइट टू रिप्रेजेंटेशन के तहत तीन तीन पीढ़ी लोग रिजर्वेशन खा के उसके बाद आपस में ही शादियां कर रहे हैं, आपस में ही रिश्ते बना रहे हैं, मतलब इनसाइड द कास्ट एक नए कास्ट का जन्म कर रहे हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन है। मतलब जाति जो पहले से वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनी हुई है वो तो बनी हुई है, साथ में आप ये पाएंगे वर्तमान में जो खेल ये कम्युनिटी कर रही है उस कम्युनिटी के बीच से एक नया प्रॉब्लम भी क्रिएट किया जा रहा है। मतलब पुरानी जाति तो खुद के अंदर खत्म नहीं हुई, अब एक नई जाति हम बना रहे हैं इकोनॉमिकल कंडीशन पे। अब समाज के बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि क्रिमिलियर जैसी चीज लगेगी तो जो बहुजन मूवमेंट है उस मूवमेंट से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कट जाएंगे जिन्होंने पहले से आरक्षण लेके नौकरी पाके अपनी आर्थिक कंडीशन को सही किया हुआ है। तो उन दोगलों को मेरा एक ही सवाल है, उन हरामखोरों से मेरा एक ही सवाल है कि तुम क्या सच में दोगले हो जो ऐसा सोच रहे हो कि तुमको जब तक आरक्षण मिल रहा है तब तक तुमको इस समाज के साथ रहना है, नहीं तो नहीं रहना है? मतलब तुम्हारा कोई जमीर नहीं है, यानी सही तरीके से कहा जाए अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मान लेना चाहिए इस समाज को कि इस समाज में जिन्होंने आरक्षण लेके अपनी आर्थिक दशा को ठीक किया हुआ है उनके अंदर विचारधारा जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो फिर ये लड़ाई किस चीज की चल रही है, जिस लड़ाई में बहुजन समाज का जो ऐसा तबका जिसको कभी आरक्षण से फायदा ही नहीं मिला उसके बच्चे जेल जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है फिर?
तो जो भी ऐसा भ्रम कर रहा है कि भैया क्रिमिलियर जैसी कोई चीज लागू हुई तो समाज का एक तबका कट जाएगा, अगर वो कटे तो उससे पूछिए कि तुम इसीलिए अभी तक साथ चिपके हुए थे कि तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे थे, तुम्हारी खानदानों को, तुम्हारे आने वाली नस्लों को आरक्षण देने की लड़ाई समाज के गरीब तबका लड़ रहा था। बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी की कहानी तो आपको पता है ही। इनके जो पैसे वाले बच्चे होते हैं ये कॉलेजों में जाते हैं तो ये अपनी अलग लॉबी तैयार करते हैं, जब तक कॉलेजों में रहते हैं तब तक ये सवर्ण पैसे वाले बच्चों के साथ घूमते हैं, उनके पीछे पीछे उनकी चाटुकारिता करते हैं, कॉलेज खत्म हो जाता है तो उनको जूते की नोक तो भी नहीं रखते हैं, उनसे कोई कनेक्शन ही उनका नहीं रह जाता है, फिर थक हार के आरक्षण पे नौकरी खोजते हैं और उसके बाद चुपचाप मुंह उठा के अपनी कम्युनिटी में बराबर की इकोनॉमिक कंडीशन वाले से शादी कर लेते हैं। इसके अलावा आपको कंडीशन ये भी पता है कि एजुकेशन के जो पूरे 7 सेक्टर हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, जर्नलिज्म, आर्ट, फिल्म, लिटरेचर, एक्टिविज्म, ये सारी जो इस तरीके के कंडीशन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि तीसरी पीढ़ी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ऐसी है जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स जहाँ रिजर्वेशन मिलता है उसके अलावा सोच नहीं पाती है। मतलब उसको ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम रिस्क लेके स्पोर्ट्स में जाएं, हम रिस्क लेके बिजनेस करें, हम रिस्क लेके आर्ट एंड फिल्म लिटरेचर में जाएं, हम रिस्क लेके एक्टिविज्म में घुसे जहाँ सम्मान और पैसा दोनों है। मतलब कहा जाए सीधा सीधा समाज में तमाम हजारों एग्जाम्पल मौजूद हैं जो चुपचाप एसी के कमरे में पैदा हो रहे हैं और एसी के कमरे के बाद पैदा होने के बाद चुपचाप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, चुपचाप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद चुपचाप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चुपचाप एडमिशन ले लेते हैं, या फिर 2 साल 3 साल कोचिंग करके IITs में भी चले जाते हैं, उसके बाद भी उनका एक ही सपना होता है कि हम UPSC या STPSC की कोई नौकरी ले लें जहाँ आरक्षण है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये बहुत बड़ा, अगर आप IIT NIT में पढ़ने वाले जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं तो उनसे आप मिलिएगा और एक सर्वे कीजिएगा, उनकी मेंटल लेवल को चेक करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे भी IIT NIT में पढ़ने वाले बच्चे UPSC STPSC इसके अलावा सोच नहीं पाते हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, और OBC भी इसमें इंक्लूड है, तो उनको पता है कि रिजर्वेशन है और मैं समाज का फिल्टर बच्चा हूँ और मैं जाके आराम से वहाँ पे आरक्षण वाली नौकरी नहीं ले जाऊँ ले लूँगा। अब सवाल उन लोगों से ये है कि ये बताओ कि प्राइवेट कंपनीज में जहाँ सबसे ज़्यादा भारत में नौकरियाँ हैं गवर्नमेंट के कंपेयर में, वहाँ पे तो पूरी खुलेआम जातिवाद होता है, वहाँ पे सरनेम देख के रिक्रूटमेंट चलती है और समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा आज पैदा हो रखा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC के बीच से लगभग लगभग जिसका एक बड़ा आंकड़ा है, मतलब जिसको देखा जा सकता है, जो सरकारी नौकरियों में रहा है और उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी है जो सरकारी नौकरी में ले रही है और भी अच्छी अच्छा खासा उन्होंने धन भी अर्जन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो तुमने जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिजनेस खोलने की, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्पोर्ट्स की तरफ जाने की, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशन के आगे फील्ड में जाने की, अगर तुम बिजनेस मैन इंडस्ट्रीज बने होते, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं तो तुम अपने बच्चों को जॉब दे पाते। आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे जैसे जगहों पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज, वहाँ पे सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोगों का जब CV वहाँ या रिज्यूम जब जाता है वहाँ तो सर नेम देख के उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो तुम्हारी कंपनी होती तो तुम अपने लोगों को बुलाते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं, यानी तुम तो कभी विचारधारा के थे ही नहीं, और अगर विचारधारा के होते तो तुम अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के तुम थोड़ा संघर्ष की तरफ निकलते, और संघर्ष की तरफ निकलते तो उन जगहों पे अपना रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते जहाँ पे राइट टू रिप्रेजेंटेशन का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुमने वहाँ के जाने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी चुपचाप रिजर्वेशन लेते हो और उसके बाद चुपचाप अपने आप को सरकारी नौकरी लेके अपने आप को साइड ही रखते हो और बराबर की हैसियत वालों लोगों से शादी कर लो। तुम्हारे होने ना होने से समाज का जो तबका आंदोलन में है या समाज के जो बच्चे जेल जा रहे हैं उनको मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है कि तुम हो या नहीं हो। हाँ तुम हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा बल मिल जाएगा, लेकिन नहीं हो तो तुम तो पहले से ही नहीं हो, क्योंकि अगर तुम होते तो कंडीशन ये थोड़ी होती है, तुम तो अपने आप को हमेशा कम्फर्ट जोन में ही रखना चाहते हो।
बाकी सोशल मीडिया पे और हर जगह चिल्ल पाव बहुत मचाएंगे लोग कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लग गया है, क्रीमी लेयर लग गया है। और यकीनन अगर इसको विदेशियों की लेने वाली सरकार अगर इसको लगा रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए ही कर रही है। लेकिन जब किसी से आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो और वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसमें सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपकी तरफ से जो लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक वर्चस्व है, सामाजिक वर्चस्व है, सामाजिक बराबरी भी कह सकते हैं। बराबरी तो तभी इस्टेब्लिश करोगे जब तुम वर्चस्व में जाओगे, क्योंकि जो लोग पहले से वर्चस्व में उनका कोई इरादा नहीं है। तो आप जब किसी से लड़ाई लड़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अंदर से कितने प्योर हो, आप कहीं खोखले तो नहीं हो। साथियों, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सभी का जो भी आंसर है वो मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आप इसे इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक पहुंच पाए। अगर आप बहुजन समाज की न्यूज जानना चाहते हैं और बहुजन समाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा के हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।